Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to cover an EVS chapter of class 5th and name of the chapter is Sunita in Space. Sunita Williams के बारे में आप सभी जानते होंगे, Indian origin की USA Army officer and astronaut थी United States of America की, जो कि space में गई थी 22 days ये almost वहाँ पर रही है, दो missions पर ये जा चुकी हैं. तो किस तरह इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, कुछ स्पेस के बारे में आपको बताया जाएगा, कुछ सुनीता विलियम्स की जो जर्नी रही है स्पेस में उसके बारे में आपको बताया जाएगा. सो लेट अस सी नाउ. उसके बाद पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, देन इसकी एक वर्कशीट होगी, देन देयर विल बी अ क्विज. ओके, सो बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो. सो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, What do you think, अपने दिल से आपको बताना है, What do you think the earth looks like? आपको क्या लगता है कि अर्थ कैसी लगती है? तो ये तो वैसे आपके लिए है, बट मैं आपको बता दूँ, अर्थ बिल्कुल राउंड है आपकी, जैसे फुटबॉल होती है ना आपकी, इस तरीके से स्फेरिकल शेप है इसकी. मेक अ ड्राॅइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक, आप ड्रॉ कर देंगे अर्थ को नोटबुक में अपने, इस तरीके से राउंड. ऑन योर ड्राॅइंग शो वेयर यू आर, और अपनी ड्राॅइंग में आप अपने बताएंगे कि आप कहाँ हैं. एंड टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राॅइंग टूर, अपनी आपको अपने फ्रेंड की ड्राॅइंग भी चेक करेंगे. वॉट इज अर्थ, आर अर्थ रियली लुक्स लाइक, आपकी हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअली में कैसी लगती है. उजायरा एंड शाहमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब, उजायरा और शाहमीर ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. ग्लोब आप सबने देखा होगा, इस तरीके से आपके अर्थ की जैसे राउंड होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एक छोटी सी. While they play, they are talking to each other. जब वो खेल रहे हैं ग्लोब से तो आपस में बातें कर रहे हैं. उजायरा कह रही है, देखिए, Do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? क्या तुम्हें पता है कि कल सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल को विजिट कर रही है? I have heard, मैंने सुना है that she had spent more than 6 months in space, कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा स्पेस में गुजारे हैं. शामिर कहता है, looking at the globe. Look, there is America. देखो यहाँ पर अमेरिका है, अफ्रीका, and here हे वेयर इज स्पेस, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, तो आप मुझे बताओ कि स्पेस कहाँ है. उजायरा कहती है, द स्काई स्टार सन एंड मून दे ऑल आर स्पेस, जो एक्चुअली ग्लोब होता है वो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा. धरती के ऊपर तो स्पेस नहीं है ना, स्पेस क्या है आपका, ऊपर है आसमान आपका, स्काई स्टार्स तारे सन मून ये सभी हमारा स्पेस है. शामिर कहता है, यस आई नो, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेस शिप, सुनीता विलियम एक स्पेस शिप में गई थी. आई सो ऑन टीवी, मैंने टीवी पर देखा था, दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, कि वो वहाँ से अर्थ को देख सकती थी स्पेस से. उजायरा कहती है, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब, अर्थ जो है ऊपर से इस ग्लोब की तरह लगती है. शामिर कहता है, इफ़ आर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी, अगर इस ग्लोब की तरह हमारी अर्थ लगती है तो हम कहाँ हैं. उजायरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर वो रख देती है और वो कहती है, हे वी आर, दिस इज़ इंडिया, ये ग्लोब पर इंडिया है और यहाँ पर हम हैं. शामिर कहता है, इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस, अगर हम यहाँ पर हैं ऐसे, वी वुड ऑल फॉल ऑफ, तो हम तो सब गिर जाते. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, मुझे लगता है कि हम ग्लोब के अंदर होंगे इसलिए हम लोग गिर नहीं रहे हैं. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अभी हम लोग ढूंढेंगे आगे. देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं. ओके, उजायरा कह रही है, इफ़ वी आर इनसाइड, अगर हम अंदर है ग्लोब के, देन तो फिर क्या होगा, वेयर इज़ द स्काई द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, तो फिर सन स्काई मून और स्टार्स कहाँ होंगे. वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ज़रूर ग्लोब के ऊपर ही होंगे. एंड ऑल सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो ऑन द ग्लोब, और सारे सी और ओशंस भी ग्लोब के ऊपर ही हैं. ओके, शामिर कहता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, नीचे लोअर पार्ट ग्लोब के यहाँ पर इशारा करते हुए, दैट यू मीन टू से दैट देयर इज़ नो वन स्टेज हियर, कि यहाँ पर कोई नहीं रहता नीचे. उजायरा कहते हैं, पीपल लिव हेयर टू, लोग यहाँ पर भी रहते हैं. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ पर है. शामिर बोलते हैं, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, क्या यहाँ पर लोग उल्टे रहते हैं, क्योंकि नीचे अगर यहाँ पर लोग रहेंगे तो पैर उनके ज़मीन पर होंगे तो डेफिनेटली वो उल्टे हो जाएंगे. व्हाई डोंट दीज पीपल फॉलो ऑफ, तो ये लोग नीचे क्यों नहीं गिरते. उजायरा कहते हैं, यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी सी, व्हाई डजंट द सी वाटर फॉलो ऑफ. तो देखिए इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ. आपको पता होगा अर्थ, जैसे आपने मैग्नेट देखी है, वो जो आयरन चुंबक जिसे आप कहते हैं, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही हमारी अर्थ की भी एक पावर है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखती है. आप देखिए, आप अगर ऊपर उछलते हैं तो सीधा नीचे ही आते हैं, ऐसे तो नहीं है ना ऊपर उड़ जाते हैं.
तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, दैट इज़ वाई कोई भी अर्थ से फॉल ऑफ नहीं होता है, नीचे नहीं गिरता है, भले ही आप नीचे हो अर्थ के या फिर ऊपर हो, ओके और सेम वाटर के साथ भी ओशन में, इसीलिए ये हमारा वाटर है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक ग्लोब देन हाउ इट इज़ वी दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, अगर अर्थ गोल है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है, तो अर्थ गोल है डेफिनेटली, और गिरते इसलिए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. डू द पीपल ऑफ अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, क्या लोग अर्जेंटीना के उल्टे खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी सीधे ही खड़े होते हैं, बट और वहाँ पर भी ग्रेविटी है. तो इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हम लोग खड़े कैसे रहते हैं. अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ सेंटर की तरफ सबको खींच के रखती है, सो वी डो नॉट फॉल ऑफ. सेकेंड क्वेश्चन आपसे था कि क्या वहाँ के लोग अपसाइड डाउन उल्टे खड़े होते हैं अर्जेंटीना के, सो नो, बिल्कुल भी नहीं, दे ऑल्सो स्टैंड अपराइट, वो बिल्कुल सीधे ही खड़े होते हैं एंड एज वी डू, जैसे हम हैं. ओके, नेक्स्ट इज टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता से बात कर रहे हैं आप. व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई थी, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक हुजायरा एंड शामिर गॉट ए चांस टू मीट हर, बहुत सारे कई हज़ारों बच्चों को उनसे मिलने का चांस मिला. सुनीता कहती है दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वॉन्टेड टू कम टू इंडिया, कि उनकी जो फ्रेंड थी कल्पना चावला वो भी इंडिया आना चाहती थी. कल्पना चावला के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो लैंड करने से कुछ टाइम पहले एक्सप्लोर हो गया था, जिसमें कि शी डाइड एंड मीट चिल्ड्रन, बच्चों से मिलना चाहती थी. शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम, और मैं कल्पना के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इंडिया में आई हूँ. सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, अब वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है. वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, हम एक जगह बैठ नहीं सकते थे. वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, हम फ्लोट करते रहते थे, तैरते रहते थे एक तरीके से शिप में, एक जगह से दूसरी जगह. ऐसा क्यों है, आप अगर स्पेस में जाएंगे कभी, अगर आप में से कोई एस्ट्रोनॉट बनता है तो आप लोग, आपको पता होगा वहाँ पर आप खड़े नहीं रह सकते जैसे आप अर्थ में रहते हैं, क्योंकि अर्थ के पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए आप लोग उड़ते रहेंगे कॉन्स्टेंटली. ओके, वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, पानी अगर आप पियेंगे, आपने सपोज करें थोड़े डिस्टेंस से बॉटल से ऊपर से पानी अपने मुंह में डालेंगे तो पानी भी उड़ जाएगा, तो वाटर भी फ्लोट करता रहता है. इट फ्लोट अराउंड एज ब्लॉब्स, वो जैसे आपके ब्लॉब्स होते हैं पानी के, बुलबुले होते हैं, उसकी तरह वो भी फ्लोट करता रहता है. वी वॉश आर फेस और हैंड्स, वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद देम, अगर आपको मुंह धोना है तो आपको इनको कैच करना पड़ेगा, जैसे पानी आपने डाला बॉटल से वो तैरने लगेगा अलग अलग जगह, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू वॉश योर फेस, आपको अपना फेस वॉश करना पड़ेगा. वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ अलग तरीके से खाते थे. द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट, सपोज करिए टेबल है, इसके चारों तरफ सब लोग बैठे हुए, तो बैठ तो सकते ही नहीं हैं आप उड़ते रहेंगे, और बीच में जो खाना है उसको भी आप एक जगह नहीं रखते, वो भी उड़ता रहता है, तो उन लोगों को इधर उधर जाकर कैच करना पड़ता था उसको, और ये भी जो है वहाँ पर फ्लोट करते रहते, तो ये बड़ा फन पार्ट था. इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, स्पेस में कॉम कंघी करने की आपको ज़रूरत नहीं है. माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे बाल जो है वो ऊपर की तरफ खड़े रहते थे हमेशा ही, ये भी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी. आपके बाल अगर आप देखें नीचे की तरफ रहते हैं हमेशा, क्योंकि वही अर्थ की ग्रेविटी का ही एक ही रीज़न है इसका, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आपके बाल भी इधर उधर घूमते रहेंगे, तो सेम स्पेस में भी ऐसे ही था. नॉट बींग एबल टू वॉक, वहाँ पर आप चल भी नहीं सकते. वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, हमें यूज टू होना पड़ा, आदत डालनी पड़ी फ्लोट करने की चारों तरफ. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, जो सिंपल चीज़ें थी वो हमें अलग तरीके से करनी पड़ी. टू स्टे एट वन प्लेस, एक जगह पर रुकने के लिए वी हैड टू स्ट्रैप आवरसेल्फ देयर, हमें अपने आपको वहाँ पर स्ट्रैप करना पड़ता था, बांधना पड़ता था. पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, पेपर भी आप ऐसे नहीं कर सकते, पेपर को भी उनको स्पेसशिप की वॉल से स्टक करना पड़ता था, पेस्ट चिपकाना पड़ता था, तभी आप उस पर कुछ लिख सकते, नहीं तो आप लिखने लगेंगे पेपर कहीं और जाएगा, पेंसिल कहीं और आप कहीं और. आपको खुद को भी बांधना है, पेपर को भी स्टिक करना है, देन ओनली यू कैन डू समथिंग. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, बट इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर रहने में, लेकिन बहुत मुश्किल भी था. ओके, लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट. ओके, फोटोग्राफ आपको एक सेकेंड यहाँ पर दिखा देते हैं, और आप देखिए ये फोटोग्राफ है वहाँ की स्पेसशिप की, देखिए अपने आपको स्ट्रैप किया हुआ है, और अगर आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से हवा में उड़ रहे हैं.
कैन यू थिंक वाई सुनीता सियर वॉज स्टैंडिंग, क्या आपको आपको क्या लगता है सुनीता के बाल ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? तो अगेन द सेम रीजन, बिकॉज देर वॉज नो ग्रेविटी इन द स्पेस. सेकेंड क्वेश्चन है, लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम, राइट वॉट ऑल इज हैपनिंग एंड वेन. आपको आगे कुछ पिक्चर्स दी रहेगी, उसको हम लोग देखेंगे. पहले बालों का रीजन देख लेते हैं. सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग एज शी वॉज इन द स्पेसशिप वेयर देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स. वो उस स्पेसशिप में थी जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था. ओके, अब ये कुछ पिक्चर्स सुनीता ने अपनी दी है वहाँ की जो उन्होंने स्पेसशिप में ली थी. देखिए, जब वी टेक ऑफ 9/12/2006, यानी कि 9th of December 2006 को इनका जो स्पेसशिप है वो उस चला था वहाँ से, उसने टेक ऑफ किया था. सेकेंड पिक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ है सुनीता. आर फीट डोंट स्टे ऑन वन फ्लोर, आप फीट उनके एक जगह नहीं रह सकते, और अगर साथ में भी रहना तो एक दूसरे को कैच करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं आपके फ्रेंड कहीं और होंगे. ये 11/12 यानी कि दो दिन बाद की पिक्चर है, स्पेसशिप की ही पिक्चर है ये भी. थर्ड पिक्चर आप देखिए यहाँ पर 11/12/2006 सेम डे दे आर हैविंग देयर फूड, वो अपना खाना खा रहे हैं. एक आदमी ऊपर है यहाँ पर एंड रेस्ट ऑफ देम आर सिटिंग हेयर, बाकी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप सुनीता के हेयर देखिए. लुक माय हेयर इज स्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, काम अगर आप करें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सभी चीज़ें आप देखिए तो उन्होंने स्टिक की हुई है, चिपकाई हुई है आपके अपने स्पेस शिप की वॉल्स से, पेपर्स यहाँ पर एंड ऑल अदर थिंग्स. ओके, नेक्स्ट लास्ट ये 16/12/16 की पिक्चर है. सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, अब सुनीता स्पेसशिप के बाहर है और वो स्पेस में पहुंच गई है. ओके, सो ये कुछ पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इनसे पता लगेगी. डेट्स आप ज़रूर याद रखेंगे कब टेक ऑफ किया था उनके स्पेसक्राफ्ट ने, ये डेट इंपॉर्टेंट है 9/12/2006. ओके, आगे आते हैं क्लासरूम बेस्ड स्पेसशिप. अब ये आपसे क्लासरूम में वैसे पूछा गया, आपके लिए एक्टिविटी आप आइज क्लोज करिए, सोचिए कि आप फ्लोट कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आपके हेयर्स कैसे होंगे और आपकी बुक्स कहाँ एंड ऑल, तो ये आप खुद कर लेंगे. नथिंग दैट इम्पॉर्टेंट, क्लासरूम एक्टिविटी आपकी. इजंट इट अमेजिंग, ओके, क्या ये अमेजिंग है. ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, जब भी हम अर्थ पर कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं इट कम्स डाउन, वो नीचे आ जाती है. व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी तो वो नीचे गिर जाती है. वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसको कैच भी कर पाते हैं. ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, अर्थ पर हम लोग फ्लोट करते हुए नहीं रहते, इधर उधर घूमते नहीं रहते, तैरते नहीं रहते. When we fill a glass of glass or bucket with water, it stays there. जब आप किसी glass में पानी डालते हैं फिर किसी bucket में पानी डालते हैं वो उसी में ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल के अपने आप इधर उधर घूमने लगेगा. It doesn't float around in blobs as Sunita Williams says. जैसे सुनीता ने बताया कि वहाँ पर पानी भी blobs में इधर उधर घूमता था, तो अर्थ पर ऐसा नहीं होता है. It is something special about the earth that makes this happen. कुछ तो अर्थ में स्पेशल है जो कि इसको अलग बनाता है बाकी से. Thus earth pulls everything towards itself. अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, और यही इम्पॉर्टेंट चीज़, इसलिए आप जो है बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हैं, अर्थ पर स्टे कर पाते हैं, आप जो आपकी क्रॉप्स है फसलें उगा पाते हैं, पेड़ उग पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ों को वो अपनी तरफ पुल करती है. सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, 360 किलोमीटर्स दूर गई थी वो अर्थ से इन द स्पेसशिप. थिंक हाउ फार दिस वुड बी, सोचिए कितना दूर होगा. फाइंड आउट विच टाउन सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. अब आपको पता करना आप जहाँ पर भी रहते हैं उससे 360 किलोमीटर्स दूर कौन सा शहर होगा. दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट फ्रॉम द अर्थ, इतनी दूर सुनीता विलियम्स अर्थ से गई थी. कैन यू नाउ से दैट सुनीता हेयर कीप स्टैंडिंग, क्या अब आप बता सकते हैं सुनीता की हेयर क्यों स्टैंड दे बाय दे वर स्टैंडिंग, क्यों वो इस तरीके से खड़े हुए थे. तो हम इसका रीज़न पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अब इसको पढ़ने के बारे में बाद भी आपको पता लग गया होगा. रीज़न सेम वही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. नेक्स्ट इज थिंक वाई वाटर फ्लोट डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन्स टू, वाटर फ्लो डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड. जैसे कि पानी आपने देखा होगा माउंटेन्स पर से जब पानी फिसलता है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं पिघलते, तो पानी नीचे आता है, नीचे का पानी ऊपर नहीं जाता. क्या रीज़न है इसका, तो सेम रीज़न है. जितने भी क्वेश्चंस आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे टीचर आपसे ये पूछे कि जब आप स्लाइड पर स्लाइड करते हैं, आपके स्कूल्स में स्लाइड्स लगी होंगी, झूले लगे होंगे, तो आप स्लाइड पर नीचे क्यों आते हैं, नीचे बैठ के ऊपर क्यों नहीं चले जाते, तो इसका भी सेम वही रीज़न है. ग्रेविटी की वजह से आप डाउनवर्ड स्लाइड कर सकते हैं ऊपर की तरफ नहीं, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा. ओके, सो सभी का एक ही रीज़न है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, TATIONAL. ओके, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, ग्रेविटी, अर्थ जो अपनी तरफ हर चीज़ को पुल करती है उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं. ओके,
सो नाउ हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो. बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे इसके. अभी मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको एकदम से नहीं समझ आएगी. तो स्पेस के बारे में अभी हमने सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा. डेट आपने याद कर ली होगी, 9th of December 2006 में वो स्पेस में गई थी. और सेकेंड स्पेस क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा. मेन हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा एंड शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा कि वो कैसी होती है. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द पार्ट टू. रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे.